सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। तो भाई आज मैं जाने वाला हूँ राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है यार सिलिसेट लेक। यार इस जगह पे बहुत सी मूवियों की शूटिंग भी हो चुकी है, क्योंकि यार बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो आज मैं वहाँ पर जाऊँगा और आपको घुमाऊँगा, और आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे यहाँ पर आ सकते हो घूमने के लिए, और क्या आपका बजट होना चाहिए, क्या आप ट्रिप मतलब क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या यहाँ पर मिलता है खाने के लिए भी। तो सब कुछ फुल डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यार पूरी वीडियो देखिए गाइस, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलते हैं यार। तो भाई फाइनली मैं अंदर तो आ चुका हूँ यार, अब ऊपर जाते हैं घूमते हैं यहाँ पे। और यार यहाँ से जो नज़ारा है ना भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत है यार। और अभी यार सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग तो कुछ आए नहीं। अभी तो बस मैं हूँ और एक दो और बंदे हैं, नहीं ज़्यादा नहीं है, बस कुछ होटल में यहाँ पर रह रहे हैं, बस वो हैं और मैं हूँ। आपको यहाँ से मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ भाई, बहुत ही खूबसूरत है यार। एक बार मास्क हटाता हूँ और अपना चश्मा भी हटाता हूँ। अब चलते हैं ऊपर, तो ऊपर से व्यू दिखाते हैं कि कैसा व्यू है भाई साहब। ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं यहाँ से पूरा व्यू, बहुत मजा आएगा यार। तो चलते हैं ऊपर, चलते हैं देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। और बहुत हाइट है भाई, यहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा है ना बहुत ही खूबसूरत है। आपको एक बार मैं ऐसा सीन दिखाता हूँ भाई, यहाँ से कुछ इस तरह का सीन है यहाँ से। यार देखिए यार बहुत ही खूबसूरत जगह है, और बहुत ही मतलब कि बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। यार यहाँ पे बरसात नहीं हो रही, बहुत ही कम बरसात है, इसलिए पानी नहीं है, वरना पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आता है। और यहाँ से ना बोट की भी यहाँ से और आप यहाँ से बोटिंग भी कर सकते हो। ये देखिए बोट वहाँ पानी के अंदर भी है, वहाँ देखिए, और बिल्कुल ही अरावली पर्वत वाला के बीच में है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि यार बहुत ही खूबसूरत जगह। और ये पहले से आप यहाँ जाके आप रूम रेंट पर लेके नहीं, इस होटल में रह सकते हो, आपको सब सुविधा मिलेगी, खाने की पीने की सब सुविधा। और बैक से जो व्यू आ रहा है ना बहुत ही खूबसूरत यार। यहाँ एक मैंने लाइक नहीं यार, ये एक चीज़ देखी है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर आप सुबह सुबह आओगे ना तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप बाद में आओगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, आपको यहाँ पे मतलब कि घूमने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अब तो बिल्कुल भीड़ नहीं है, बहुत ही कम यहाँ पर टूरिस्ट है। लेकिन 10 बजे के बाद ना गाइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत कम है। वहाँ चलते हैं एक बार और वहाँ से देखते हैं सीन कैसा है। आप लोगों को मैं यहाँ से सीन दिखाता हूँ, एक होटल है यार, होटल यहाँ पर आपको बैठने के लिए चेयर सब कुछ मिलेगी और टेबल मिलेगी, आप यहाँ पर बैठ के नहीं इंजॉय कर सकते हो, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक जो भी आप यहाँ होटल से ले सकते हो, लेकिन पैसों में। लेकिन एक चीज़ तो आपको फ्री मिलेगी, क्योंकि आपने 100 रुपीज़ पहले ही ऑलरेडी पे कर दिए हैं, क्योंकि एंट्री आपकी तब होती है जब आप 100 रुपीज़ पे कर देते हो। तो आप यहाँ एक चीज़ ले सकते हो, मैंने आपको बताया कि एक कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी या पानी की बोतल, उनमें से तीनों में से एक। तो आपको मैं एक सीन दिखाता हूँ यहाँ से, एक होटल का व्यू कैसा है यहाँ भाई, कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से आप देख सकते हो। एक पहले से यहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएंगे रेंट पे, रूम में भी रह सकते हो आप, और यहाँ से आप इंजॉय ले सकते हो इस व्यू का, इस खूबसूरत व्यू का यार। और आपको मैं बता दूँ कि यार ये बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, यहाँ से और यहाँ बैठ सकते हो, क्योंकि चेयर है, चेयर पे बैठ के नहीं आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लेस वगैरह पड़े हैं। और आप लोगों को एक मैं सीन दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सॉन्ग की शूटिंग भी हुई थी, जिसमें आप मूवी देखी होगी अपने करण अर्जुन मूवी, तो उस सॉन्ग की भी शूटिंग हुई थी यहाँ पे। तो पीछे मेरे दिख रहा है ना जो बीच में पानी में, तो उस जगह शूटिंग हुई, तो भाई वो है वो जगह जहाँ पे उस सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। और आपको मैं स्क्रीन शॉट में भी दिखाऊँगा कि उसी जगह शूटिंग हुई थी, कॉमन सी बात है यार, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी क्योंकि बहुत बड़ी मूवी है, तो उस जगह शूटिंग हुई थी उसकी। तो अब मैं चलता हूँ अंदर होटल में, क्योंकि मैंने 100 रुपये पे किए भाई, तो मेरे को कुछ तो लेना है यार,
चाहे कुछ भी लूँ, या पानी की बोतल लेता हूँ, या कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी, तो देखता हूँ कि क्या लेना चाहिए मेरे को। तो अपन अंदर चलते हैं। भैया पानी की बोतल छोटी मिलेगी या बड़ी मिलेगी? एक लीटर वाला। एक लीटर। और कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक सामने जो रखा है छोटा वाला। छोटा वाला? हाँ। कोई सा भी ले सकते हो आप। हाँ जी। मेरे को क्या लेना चाहिए? पानी की बोतल दे दो आप। पानी की बोतल। टिकट दिखाना है? टिकट देना पड़ेगा, जमा कराएंगे ना? नहीं, दे रहा हूँ। ये लो। आपकी वेलकम ड्रिंक है, ये फ्री हो चुका है। ठीक है, टिकट जमा करो। हाँ जी। तो भाई मैंने 100 रुपीज़ में लिया है पानी का बोतल, क्योंकि मेरे को कभी प्यास लग रही थी तो मेरे को सिर्फ पानी पीना है। ठीक है यार। तो अब चलते हैं अपन वोटिंग एरिया में। क्या आप वोटिंग कर सकते हो, कितने रुपए में, और कितना पर्सन, कितने रुपए में आप वोटिंग कर सकते हो। तो अपन नीचे चलते हैं, वहाँ से बात करते हैं, देखते हैं यार करना है हमको भी। भाई बहुत नीचा है ऊपर से, तो यार ये बहुत नीचे। एक के लिए तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि 800 रुपये आप घूम सकते हो अगर सिंगल हो, अगर मैनेज कर सकते हो आप, अगर ग्रुप में आते हो तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि एक वोट की जो फीस है ना वो है 800 रुपये। और आपको मैं मेन्यू दिखाता हूँ। भैया मेन्यू कहाँ है आप? नीचे जाओगे ना? हाँ। टिकट ले लिया? अरे नहीं, मैंने भैया से परमिशन ले ली। ठीक है। भाई वैसे आपको ना बिना टिकट कोई नीचे आने भी नहीं देता, लेकिन मैंने भैया से परमिशन ली थी तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अगर आपको परमिशन देता है तो आप नीचे आ सकते हो, नहीं नीचे भी नहीं आने देते, क्योंकि आप अगर टिकट लेते हो ना ऊपर इस वोटिंग का तो ही आप ऊपर नीचे आ सकते हो। लेकिन मैंने टिकट का परमिशन ले ली थी, टिकट तो नहीं लिया यार, क्योंकि टिकट का भी महंगा भाई। तो आप एक वोट में 8 आदमी 8% या 9% आ सकते हो, क्योंकि एक वोट की जो फीस है ना वो है 800 रुपये। और यार मेरे को अकेले को पड़ रही थी 800, तो यार मेरे को तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई अगर मेरे साथ आ जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके साथ मैं भी पैसे पे कर दूंगा कुछ। अगर 4 बंदे आ जाएँ तो बहुत बढ़िया भाई, 8 आ जाएँ तो 100 रुपये लगेंगे, और 4 आ जाएंगे तो 200 रुपये लगेंगे। लेकिन मैं करने के लिए तैयार हूँ, अब लेकिन कोई आ नहीं रहा अभी, तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ। ये देखिए, ये वोट है ना, ये 4 सीटर आप डबल बैठ सकते हो ना एक एक साथ में। और ये वोट है, ये 8 सीटर, इस पर आप 8 बैठ सकते हो, 8 बंदे। और ये जो भी चलती है ना भाई, ये चलती है अपने इससे मोटर से चलती है, मशीन से, बिना मशीन नहीं चलती है भाई यहाँ से भी। और यहाँ पानी ने मेरे को डर लग रहा है, मेरे यहाँ पैर रखा ना तो नीचे की तरफ गया भाई। और यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है यार भाई। और वो सीन देखिए, अब यहाँ से नीचे दिख रहा है ना वो वाला, जो मैंने कहा था कि यहाँ पे शूटिंग हुई थी करण अर्जुन मूवी की, तो एक गाने की, तो वो जगह है वो। मैं स्क्रीन से वो जूम करता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ वो। ये देखिए। और आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ भाई। जब मैं आ रहा था ना यार, तो मैं सुबह आया था, तो वहाँ पे क्या है कि भैया पानी की बोतल रखी है मेरी, ठीक है ना। तो मैं जब सुबह आया था ना, तो वहाँ पे जो एंट्री था, जहाँ 100 रुपये पे करने पड़ते हैं आपको तब एंट्री मिलती है, वो वहाँ पे था नहीं। तो एंट्री मेरी यहाँ पे वैसे हो गई बिना पैसे, क्योंकि सुबह सुबह जो भी मतलब कि यहाँ कर्मचारी होते हैं वो लेट आते हैं, तो मैं पहले आ गया था। तो गई वहाँ पे यार मेरे पैसे नहीं पे किए, तो फिर मैं यहाँ पे आया, तो एक मतलब कि जो भी, मैं बुरा नहीं गिरा, लेकिन जो काम करता है मेरे से 100 रुपये कमाने के चक्कर में हो गया था कि आप मेरे को 100 रुपये दे दो, आपने टिकट कटवाया। मैंने कि भैया मैंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, नहीं यार। तो वो बोल रहा था मेरे से लेने की, और मेरे को टिकट भी नहीं देगा वो, मुझे पता है कि उसके पास टिकट कहाँ से होगा। तो मैंने वहाँ पे नहीं कटाया, क्योंकि आपको सभी जगह मिल जाएंगे ऐसे बंदे जो आपको पैसे लेने के चक्कर में होते हैं कि आप पैसे दे दो, अब आप ले सक जा सकते हो ये वो। तो मैंने नहीं दिया भाई साहब, मुझे नहीं लग रहा कि कोई आएगा, मेरे पार्टनर होगा जो मतलब पैसे में साथ में पे कर सकता हूँ। मुझे लगता है मैं घर पे बिना वोटिंग ही जाऊँगा, लेकिन यार इतने पैसे तो नहीं भाई, 800 रुपये तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इतना बजट नहीं है अपना, एंड 800 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा।
तो चलते हैं यार, देखते हैं कि अगर कोई आता है तो उसके साथ इंजॉय करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, लेकिन नहीं आया तो विदाउट वोटिंग चलते हैं। तो एक बार देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो जगह है ये राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट अलवर में पड़ती है, और अलवर जो शहर है ना उससे करीबन 20 किलोमीटर दूर पड़ती है ये। तो अगर आप लोकल हो, अलवर शहर से हो, राजस्थान में आप अगर अलवर शहर से हो तो आपको अलवर शहर से करीबन 20 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। अगर आप नए हो तो आप मैप के थ्रू आ सकते हो, क्योंकि मैं भी मैप के थ्रू आया था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि अब मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मुझे रास्ता का कोई पता नहीं था। लेकिन मैंने मैप पे सर्च किया सिलिसेट लेक, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद मैं अगर बात करते हैं, अगर आप कार से आते हो, आप अगर अलवर डिस्ट्रिक्ट से हो या अदर डिस्ट्रिक्ट से हो या अदर आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ कंट्री हो, तो आप लोगों को बता दूँ अगर आप कार से आते हो तो आप कार से सर्च करके आ सकते हो। आपको सबसे पहले आना है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, अलवर शहर में। तो अलवर शहर से एक रास्ता आता है कटी घाटी, तो कटी घाटी से ये आपको वहाँ पे मैप पे सर्च कर लेना। मैप पे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, कार नहीं है, बाइक नहीं है, तो आप आ सकते हो ट्रेन से। ट्रेन में सबसे बेस्ट है कि आप ट्रेन में आओ, अलवर डिस्ट्रिक्ट का जंक्शन है अलवर जंक्शन, आप वहाँ पर उतर सकते हो। वहाँ उतरने के बाद आप कोई भी वहाँ पर रेंट पर बाइक लो, या किसी ऑटो वाले से पकड़ लो, या कुछ ही क्या कहते हैं टैक्सी वाले को पकड़ लो, टैक्सी में आ सकते हो। वहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है भाई, 20 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ट्रैवलर हो, क्योंकि आपको पैदल चलना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, अगर ट्रैवलर तो आप पैदल भी आ सकते हो या हिचकिंग करके आ सकते हो आप यहाँ पे। इतना ज़्यादा दूर नहीं है, आपको आराम से इजीली आपको कोई ड्रॉप कर देगा यहाँ पे, क्योंकि आप अगर हिचकिंग करते हो ना बढ़िया तरह तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो भाई। और मुझे तो बहुत पसंद है हिचकिंग, अगर आपको भी पसंद होगा, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा मतलब कि अपना व्हीकल बिल्कुल पसंद नहीं करते और दूसरों के साथ घूमना पसंद करते हैं, मैं उनमें से एक हूँ, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन मैं अपनी बाइक से आया था, क्योंकि मुझसे ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ती है जगह, करीबन 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मैं इसलिए बाइक से आया था। तो आपके लिए बेस्ट है, आप आ सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर रूम रेंट पर लेकर रहना चाहते हैं, अगर आप फैमिली के साथ आते हो या आप कपल हो, एक दो दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो आपके लिए मैं बताता हूँ कि आपको मैं मेन्यू कार्ड दिखाता हूँ, उस पर आप देख के नहीं, अपना जितना आपका बजट है उसके हिसाब से आप आ सकते हो। तो मेन्यू कार्ड देखिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की जो एंट्री फीस है ना वो है 100 रुपीज़। उस 100 रुपीज़ में आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, एक पानी की बोतल मिलेगी या एक कॉफ़ी, उन तीनों में से आप एक ले सकते हो, या तीनों चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि 100 रुपीज़ में तीनों आ जाए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनको भी आप फ़ायदा अगर आपको तीनों चीज़ दे देंगे 100 रुपीज़ में, तो आप एक चीज़ उसमें से ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ और खाना है, अगर मेरा मन कर रहा है आपका, यानी भूख लग रही है, भाई मेरे को कुछ और खाना है, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करना है, ऊपर से व्यू लेना है, क्योंकि जो ऊपर का व्यू है ना भाई बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ से बैठकर आप काफ़ी एंजॉय ले सकते हैं, तो उसका मेन्यू कार्ड भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जितना आपका बजट है उसी हिसाब से कुछ भी ले लेना। इसके अलावा आपको मेन्यू दिख रहा है, इसमें से आप और कुछ ले सकते हो, लेकिन ये 100 रुपये से नहीं मिलेगा, आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। आपको रेट दिख रहा है, ये देखिए, आज के लिए इतना ही यार। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है इस जगह के बारे में या मुझसे, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या पूछना है, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में बताओ, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप कोई पर्सनली क्वेश्चन करना चाहते हैं कि यार आप कोई सीक्रेटली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं DM कर। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी गाइस ड्रीमर अलमान, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे पूछ सकते हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही यार, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।